आप uh, कोई पेमेंट गेटवेज uh, ऐसे अवेलेबल नहीं है शॉपिफाई के ऊपर इजीली जो कि यूज़ करके वो पेमेंट एडवांस में ले सकते हैं ये प्रॉब्लम होगा कि यार अब मैं इसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे लूँ मेरी तो कोई वेबसाइट नहीं है मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम से सेल कर रहा हूँ मैं स्टार्ट में जब शुरू किया था जितनी हम एक महीने में सेल करते थे इतनी हम एक दिन में इससे ज्यादा सेल कर जा रही हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैक नहीं हो रहा आपके शॉपिफाई उसकी जो है गारंटी भी ले रहे हैं माज मैंने सुना है दूमी मछी हुई मार्केट के अंदर कि डबल इलेवन पे आप लोगों ने छतें फाड़ दिए हैं और दराज के ऊपर इस, इस टाइम पे इस कैटेगरी के अंदर जो फर्नीचर कैटेगरी है लिंक आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे बनाया होगा पे मॉप पे तो पेमेंट जो है वो कस्टमर के कार्ड से आपके अकाउंट में आ जाएगी और आप उसको विड्रॉ कर सकते मतलब मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करवानी है अपने चार मेट्रेस बताने मुझे ये पसंद है आप मेरे घर के बाहर उसको ला के दिखाएंगे और वहां से चूज कर के मैं खरीद सकता हूँ जी, जी 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 बाकी वापस कर सकते हैं जी, जी बिल्कुल और इसके चार्जेस भी कोई नहीं है बिल्कुल कोई बाय नाउ पे लेटर का मैं पूछने ही वाला था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये किस्त पे बाय नाउ पे लेटर ये कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन है ए आई का जो आने वाला फ्यूचर है वो ए आई है और ई e कॉमर्स के ऊपर वेबसाइट पे ए आई चाहिए असला दोस्तों मैं अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ लोकल ई कॉमर्स लोकल ई कॉमर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी तमाम पॉडकास्ट जरूर फॉलो करें और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ हजार हा सवाल हमारे पास आना स्टार्ट हुए रिगार्डिंग द पेमेंट गेट वे लोग पूछते थे कि पेमेंट गेट वे कौन सा होना चाहिए और इस वक्त अगर आप लोकल ई कॉमर्स के तमाम एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट से पूछें सब के सब एक ही सवाल जरूर रिपीट करते हैं कि सर ये बताइएगा कि हम कौन सा पेमेंट गेटवे शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कौन सा पेमेंट गेटवे इस वक्त इजीली अवेलेबल है तो आज आपकी हमने सुनी है और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं कितने पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं शॉपिफाई के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक जरूर देखना है मैं इतना बता कि ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड और इसके अंदर जो हमारे लिए सपोर्ट करते हैं इसके अंदर वो जिनको और डिप्लॉयर्स की कंबाइन काविशों का नतीजा है तो आपने ज़रूर जिनको और डिप्लॉयर्स को फॉलो रखना है ठीक है तो आज का जो मेहमान है हमारे साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं लोकल ई कॉमर्स के ऊपर स्पेशली टेक्निकलिटीज़ के ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी किस्म की प्लग इन सॉफ्टवेयर और सल्यूशन जो कि आपको चाहिए अगर आप अपने ई कॉमर्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये वो प्लेटफॉर्म है ये वो जगह है से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आज के जो गुरु हमने बुलाए हैं वो है इंपॉर्टेंट है? Uh, है, है, है थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि यह जर्नी आपने कॉमर्स e की कैसे स्टार्ट की क्या फॉर्मल एजुकेशन e के लिए रिक्वायर्ड है क्या ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिक कुछ आपने किया है या ई e कॉमर्स की फील्ड आपने स्क्रैच से स्टार्ट की इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइएगा ओके थैंक यू हैदर ई कॉमर्स का जर्नी जो है वो अगर मैं बताना शुरू करूं तो हम बैक uh, इन 2014 मैंने जो है एज आ एक कंसल्टिंग फर्म में एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड वेब डेवलपर जो है मैंने जॉब स्टार्ट की थी एंड देन उसके बाद जो है uh, मैंने uh, ये चीज़ रियलाइज़ की आफ्टर वर्किंग टू ईयर्स देयर तो मुझे ये फील हुआ कि हमें मुझे जो है कोई ऐसी फील्ड में जाना है कि जिसमें जो है आगे आने वाले फ्यूचर में उस के अंदर स्कोप ज़्यादा और उसके बंदे ढूंढने से भी ना मिले तो इसमें मैंने कोशिश ये की कि मैं कोई ऐसी चीज़ चूज़ करूं जिसमें मैंने बहुत सारे दोस्तों से मशवरा भी किया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि जो है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की जो है आगे बहुत ज़्यादा स्कोप होगा आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन सेलिंग की तरफ चले जाएंगे क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होगा और जैसे हम देख रहे हैं आजकल वही हालात आ गए हैं कि लोग अपनी रेगुलर लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि किसी के पास भी जो है इतना टाइम नहीं है कि वो जाके जो है शॉप से परचेस करे और जाके डिफरेंट दुकानों पे फेरे और ले वो कहता है यार आराम से मैं जस्ट वेबसाइट का यू डालूंगा वहीं पे सारी चीज़ें मेरे पास कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो है अवेलेबल हैं जस्ट विद इन फ़ाइव टू तो टेन मिनट्स में मैं डिसीजन लेके अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो ये चीज़ें जो हैं ये आ आ आ बहुत ज़्यादा क्योंकि आज तक के दौर में ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए मैंने उस टाइम ये डिसीजन लिया लाइक फाइव टू सिक्स इयर्स बैक कि मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है मुझे ई कॉमर्स के अंदर आना है तेन आई स्विच माई जॉब टू एन जॉब जो एक सॉफ्टवेयर हाउस था जहाँ पे मैंने एज एन आई टी एज एन डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर जो है मैंने जॉब स्टार्ट की थी और वहाँ पे जो है उन्होंने मुझे क्लाइंट जो है वो कैनेडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस था उनका जितना क्लाइंटल था वो सारा कनेडियन था तो और यूके के एक दो क्लाइंट थे जिसमें टी रेड एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है यूके का वो क्लाइंट था उनका जिसका जो है जिस क्लाइंट को देखने का मुझे मौका मिला और उसकी बहुत ज़्यादा कैंपेन्स वगैरह रन की हमने वहाँ पर और इस ता, इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक एक्सपीरियंस बना फिर उसके बाद दैन आई मूव टू लाइक कि मुझे था कि मैं अब किसी ब्रांड के अंदर जाता हूँ और लेट्स एक्सप्लोर कि क्या हम जो है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं सिंस जो मैंने पहले भी एक दो दफ़ा हमारे अपने सेशंस में बताया हुआ है कि चैलेंजेस लेने का मुझे बहुत शौक था लाइफ में कि कुछ चैलेंजिंग काम करना है कोई ऐसी चीज़ करनी है कि जो दूसरे लोगों से थोड़ा सा हट के हो तो उस टाइम में मैंने ये चीज़ डिसीजन लिया और जिसको मैं आज भी बहुत सहराता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा डिसीजन था वाइज डिसीजन था एट दैट टाइम कि मैंने जो है इस फील्ड के अंदर आया और फिर मैंने एक ब्रांड है मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ठीक है उसका बहुत बड़ा ब्रांड है मास्टर मोल्डी फोम के नाम से वहाँ उसको ज्वाइन किया और स्टार्ट में मैं एक दो ब्रांड उस ग्रुप के देख रहा था तो आहिस्ता आहस्ता सेल्स मतलब लाइक उस टाइम जो हमारी सेल्स वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि यार इसको कैसे मेरा जो एम था उस कंपनी में कि मैंने इसको एक डिपार्टमेंट बनाना है ई कॉमर्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो भी कहता था मुझे पहले यही कहता था यार ये एडवर्टाइजमेंट में आता है ये ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है तो मैं चाहता था कि मे मेरी भी एक अपनी एंटिटी हो मेरा यहाँ पे एक अलहदा से सेपरेट डिपार्टमेंट हो जो ई कॉमर्स डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर जो है हम सारी ई कॉमर्स की मेरी एक टीम हो अपनी तो अल्लाह का शुक्र है कि आ, इट टुक मी फाइव ईयर्स बट लेकिन ये है कि मैं अवेंचुअली हमने जो है अपना ई कॉमर्स का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट सेटअप किया है हमारे पास इन हाउस जो है हर तरह की डिवीजन के डिजिटल मार्केटिंग के लिए एस के लिए वहाँ पर रिसोर्स ऑपरेशन के मेरे पास लोग हैं जो हम सारा ई कॉमर्स जो है ग्रुप का देख रहे हैं और इट्स इस टाइम मेरे पास ई कॉमर्स के सिक्स ब्रांड्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ और उसके अलावा जो है आ, मेरे पास जो है और भी काफ़ी सारी कंपनी के कॉरपोरेट जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम मेनटेन कर रहे हैं तो एक हमने इंटरनल डिपार्टमेंट बना लिया हुआ है और ये एक बहुत अच्छा जर्नी था और जितनी लाइक मैं स्टार्ट में जब शुरू किया था जितनी हम एक महीने में सेल करते थे इतनी हम एक दिन में इससे ज़्यादा सेल करते हैं माशाला तो ये चीज जो है वो बेसिकली एक बहुत जबरदस्त चेंज था लाइफ के अंदर और ऑबियसली जब आप ये चीज़ अचीव करते हैं आपको ख़ुद भी एक हैप्पीनेस होती है और साथ साथ आप ग्रो भी करते हैं आप अपने अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी ग्रो करते हैं आपका एक्सपीरियंस भी बनता है फाइनेंशियली भी आप थोड़ा स्ट्रॉग होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ई e कॉमर्स ने जो है वो मुझे दी हैं और अलहमद मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस टाइम जो है एक अच्छी पोजीशन पर एक अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ ज़बरदस्त माज मुझे ये बताइएगा आप क्योंकि मैं भी इस चीज़ से एफिलिएटेड हूँ तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार फॉर्म भी ऑनलाइन बिकता है तो ई e कॉमर्स की क्या लिमिटेशन है क्या बाउंड्रीज है क्या वाकई फॉर्म बिक जाता है या फॉर्म जैसी बड़ी चीजें फर्नीचर वगैरह जैसा हो गया क्या वो ऑनलाइन बिकता है इसका रुझान है लोकल ई कॉमर्स पे क्या इस कैटेगरी को भी हम लोग ला सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा अच्छा बिल्कुल ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एट दैट टाइम मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी थी विच इज़ एन हाइपर स्टार माजिद फतेम में तो बट मैंने ये सोचा मैंने कहा यार फोम किस तरह से बिकेगा मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए थी uh, कि यार फोम तो लोग जाके एक्सपीरियंस करके बैठ के देख लेते हैं तो फोम कैसे हम ऑनलाइन भेजें ठीक है क्लोथिंग के सारी बात है चीज़ें बिक जाती हैं डिजाइन बिक जाते हैं आपके पास डिफरेंट डिजाइन हैं आपने बेच लिए वो इतना ज्यादा कंप्लेक्स नहीं होता है एज कंपेयर टू फोम और फोम आपने एक दफ़ा एक कस्टमर को बेच लिया तो अगले दस साल वो कस्टमर आपके पास दोबारा आने वाला नहीं है तो क्लोदिंग में तो हर महीने नए डिज़ाइन आएंगे सीजन वाइज नए डिजाइन आएंगे आप सेल कर लेंगे तो इसको किस तरह से बेचना है तो हमने जो है उस टाइम ये चीज़ें आ, मैंने एक डिसीजन लिया कि यार चलो ये इसको एज अ चैलेंज लेते हैं और लेट्स अगर इसमें मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट करता हूँ लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है क्या आउटकम आती है देन आई स्टार्टेड डूइंग द ई कॉमर्स सबको देखना शुरू किया उसकी स्ट्रेटजीज़ बिल्ड की उसके प्लान बिल्ड किए मार्केटिंग की सारी चीज़ों को देखना शुरू किया तो उसमें मुझे जो है बहुत अल्लाह का शुक्र है सक्सेस मिली और फॉर्म भी अब लोग एक बहुत बड़ी आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि फोन इतना ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं ये चीज़ मैंने सोच सकता था तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है लोगों को पता है कि हमें ओरिजिनल चीज़ मिलेगी अच्छी चीज़ मिलेगी और बहुत सारे लोग जिनको अगर कोई एक्सपीरियंस भी करना होता है तो वो हमारी शॉप पे जाते हैं शॉप पे जाके विजिट करके देख के आगे ऑर्डर ऑनलाइन ही करते हैं क्योंकि उनको पता है घर पर आराम से डिलीवर हो जाएगा यहाँ से परचेज करेंगे फिर कोई गाड़ी लोकल लेंगे उसके ऊपर रखेंगे उसको घर लेके जाएंगे ये सारी हैसल से बचने के लिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रेफर समझते हैं और समटाइम्स उनको फ्री डिलीवरी भी हम ऑफर हैं ज़बरदस्त ज़बरदस्त में ये जानना चाहूँगा क्योंकि बड़ी आइटम है इसकी टिकट भी बड़ी होती है तो आप बहुत सारे ओकेजंस पर पे प्री पेमेंट्स लेते होंगे और इसकी जो कॉस्ट है जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है एक कपड़े को या एक छोटी आइटम को बेचने में जो कॉस्ट ऑफ़ एक्विजिशन आती है लाइक परसेंटेज ऑफ सेल का बजट जो होता है क्या फोम इंडस्ट्री में भी वैसे ही फॉलो होता है या उसका बहुत ज़्यादा होता है ई e कॉमर्स के ऊपर इसके बारे में थोड़ा बताइए नहीं बता फोम इंडस्ट्री में जो है मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं होता फोम इंडस्ट्री में भी जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बहुत नॉमिनल सी है ओके ठीक है और उसके अंदर हमें कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रही होती क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा है ए जो है वो हमारी ज़्यादा होने की वजह से ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ए वी हमारी थर्टी थाउजेंड है और हमने उसको एक्विजिशन के अंदर वन या टू थाउजेंड रुपीज स्पेंड भी कर दिए तो वो हमारे लिए कोई इतने बड़ी अमाउंट नहीं है क्योंकि हमने उसको अमाउंट जो ऑर्डर था वो हमारे पास बड़ा आया हमारी एवरेज बास्केट साइज़ जो है वो इंक्रीज कर गया तो एस जो है वो हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा उससे डिफरेंस नहीं है माज मैंने सुना है दूमी मछी हुई मार्केट के अंदर कि डबल इलेवन पे आप लोगों ने छतें फाड़ दी हैं और दराज के ऊपर इस टाइम पे इस कैटेगरी के अंदर जो कि होम एंड फर्नीचर कैटेगरी आती है मास्टर मोल्टी फॉर्म नंबर वन पे सच जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है अलमदुल्ल्या हमने लास्ट ईयर भी जो है वो बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया था इस दफ़ा तो फिनोमिनल रिस्पॉन्स था इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लास्ट ईयर ऑब्वियसली कोविड भी था उससे पहले और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफलाइन का भी एक बहुत बड़ा चंग जो है ऑनलाइन पर आ रहा था तो लास्ट ईयर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब लाइक इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है बट दिस ईयर इतना ज़्यादा अच्छा और इतना फिनोमिनल रिस्पॉन्स आएगा कि हम कैटेगरी में पूरी में टॉप कर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो

जो है वो किन प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए आजकल कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है फॉर द लोकल ई कॉमर्स या एक एस्परेंट के लिए अगर उसने लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसको किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनानी चाहिए और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट अगर आपने पुराने डिजाइन पर रखी हुई है वर्सेज नए डिज़ाइन पर अगर आप लेके जाते हैं तो इन दोनों में क्या फ़ायदा होता है उनको फ़ायदा होता भी है या नहीं अच्छा ऐसा है कि आ, हमारे पास ना बहुत सारे लोग पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे थे वर्ड प्रेस पे मजेंटो जो है वन पॉइंट नाइन पे या इससे प्रीवियस वर्जन्स के ऊपर थे तो वो लोग जो हैं उनको हम आ, मैं भी यही अब सजेस्ट करता हूँ बहुत सारे लोग में से पूछते भी हैं तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइम जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है वो शॉपिफाई है क्योंकि शॉपिफाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शनस मिल जाती हैं ड्रैग एंड ड्रॉप है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं की जरूरत नहीं है अगर आपके आपको जस्ट थोड़ी सी नोहा हो टेक्निकल साइट पे तो आप जो है एक अच्छी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी ये फायदा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट यस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जो है वो भी बहुत नॉमिनल है और कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है कॉस्ट भी जस्ट इसका बेसिक पैकेज जो है वो ट्वेंटी नाइन डॉलर से स्टार्ट होता है तो ये कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये भी और अगर आपको इसके ऊपर जाहिर सी बात है आपने वेबसाइट बनाई है आपको सेल्स आ रही हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैक नहीं हो रहा आपके शॉपिफाई उसकी जो है गारंटी भी ले रहा है असल चीज़ तो ये है वर्ड

स्टार्ट जो है वो शॉपिफाई से करें अब अबसेंस आप इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं और अब हम अपने पॉडकास्ट के मेन एस्पेक्ट की तरफ भी आते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे ही आ रही है कि वर्ल्ड प्रेस पर और मेजेंटो पे तो वो ए के थ्रू इंटीग्रेट कर लेते हैं किसी भी बैंक के प्लेटफॉर्म को बट बैंक्स ने या कोई पेमेंट गेटवेज़ uh, ऐसे अवेलेबल नहीं है शॉपिफाई के ऊपर ईजीली जो कि यूज़ करके वो पेमेंट एडवांस में ले सकते हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ईज़िली अवेलेबल हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है और जिनका फ़ायदा भी हो सकता है तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे कि कितने हैं कौन सा अच्छा है जिस तरह आपने बताया शॉपा इज द बेस्ट विच पेमेंट प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट अच्छा स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इशू था कि जब भी लोगों को पेमेंट गेट इंटीग्रेट करना होता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यह आता था कि यार कौन सी ऐसी ऐप यूज़ करें प्लग यूज़ करें तो लकीली हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है प्लग इन ने डेवलप किया है यूनम पे के नाम से ठीक है जो ऐप आपको इजीली जो है आप उसके ऊपर अपना पेमेंट गेटवे कोई भी इंटीग्रेट कर

आप के पास ये हो कि आप कैश ऑन डिलीवरी है ऑर्डर गया कस्टमर कस्टमर ने डोर स्टेप पर जो है रिजेक्ट कर दिया अब आपके पास ये चीज़, इस इस चीज की गारंटी है कि पेमेंट आपके पास आ चुकी है इसका मतलब है कस्टमर आपसे लेगा तो आपके ऑर्डर कैंसिलेशन भी जो है वो कम हो जाएगी तो, अनम पे तो, तो हाँ है जिसको जो है जिसको मैं जो वो रिकमेंड कि बहुत अच्छा लगिन है आप ये ऐप यूज करें शॉपिफाई की और इससे जो है आप कोई भी अपना पेमेंट गेट जो है वो कर सकते हैं इसके अलावा कोई ऐसे पेमेंट गेटवेज जिसको आप रेफर करना चाहेंगे पेमेंट गेटवेज जो है वो बहुत सारे हैं इस टाइम मार्केट में है पे मोप के नाम से है एच बी एल का अपना साइबर सोर्स का पेमेंट गेट वे है उसके अलावा बैंक अच्छा, हाँ मैंने वो देखा आपकी एक वेबसाइट पर वो भी इंटीग्रेट हुआ है तो, तो डायरेक्टली भी गे, आप उस इंटीग्रेट कर सकते हैं जी 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 बिल्कुल डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके अलावा बैंक अल्फला जो है वो अनम पे की थ्रू जो है वो हो रहा है इंटीग्रेट हो रहा है उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं पे मो के नाम से है एक्सपे के नाम से है और बहुत सारे जो हैं पेमेंट के सोल्यूशनस अवेलेबल हैं ईजी पैसा जैस कैश के अपने सोलूशन अवेलेबल हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट और किसी भी आप शॉप के ऊपर जाके भी सबमिट करा सकते हैं ये पेमेंट आ सकती है अच्छा इसके अंदर जो है पे मॉप जो है वो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है अगर आप लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप जैसे एक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी ने प्रोडक्ट ली उसने कहा कि मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट Then, yeah अब आपके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होगा कि यार अब मैं इसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे लूँ मेरी तो कोई वेबसाइट नहीं है मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम सेल से कर रहा हूं तो पे मॉप जो है वो आपको ये ऑपरचुनिटी देता है कि आप जस्ट एक लिंक क्रिएट करते हैं पेमेंट लिंक क्रिएट करते हैं ठीक है वहां पर और वो लिंक आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करेगा वहां जाके अपने कार्ड की डिटेल्स देगा आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी उसके ऊपर बनाया होगा पे मॉप पे तो पेमेंट जो है वो कस्टमर के कार्ड से आपके अकाउंट में आ जाएगी और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं बहुत जबरदस्त यानी मकसद ये कि लोग कभी फंसे हुए थे कि शॉपिफाई पे प्लेटफॉर्म नहीं है अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट ले सकता है बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, उसके अलावा भी जो है आ, क्या कहते हैं एक्सपे के नाम से है, वो भी बहुत अच्छी जो है सर्विसेज दे रहा है उसके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा था आई रिसेंटली गॉड द तो उसके अंदर एक मॉड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये था कि अगर इन केस हमारे पास शॉपिंग फाई पर कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ठीक है और ऑर्डर कैंसिल होने के पास क्या होता है शॉपिंग फाई में वो ऑर्डर जो है वो अभी आपके पास पेमेंट नहीं आई है उसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है आपके पास वो ऑर्डर तो अब क्या होगा वो ऑटोमेटिक उसको कैंसिल कर देगा पेमेंट ड्रॉप हुई ठीक है वहां पे स्टेटस पेमेंट ड्रॉप की बजाय ऑटोमेटिक उसके अंदर सिस्टम है कि वो आपके ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा जिनकी पेमेंट ड्रॉप हुई होंगी जबरदस्त ये एक ऐसा फीचर था मेरा ख्याल पहले किसी ने दिया किसी नहीं, नहीं, नहीं दिया। और बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि पेमेंट हो गई हुई थी, हुई थी और कस्टमर अगर उसको बंद कर देता था तो पीछे वो ऑर्डर पेमेंट हो गई है लेकिन वहां पे पेड नहीं आ रहा होता था तो ये भी एक खत्म हो गया बिल्कुल 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 ये बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त उसके अलावा अभी हमारे पास जो है बी के बहुत ज्यादा सोल्यूशन आ चुके हैं मार्केट बाय नाउ पे लेटर का मैं पूछने ही वाला था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये किस्त पे बाय नाउ पे लेटर ये कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे एक एस्पेरेंट इसको अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म इस वक्त अच्छे चल रहे हैं अच्छा इस टाइम जो है ना बी एन पी एल के सोल्यूशन बाय पे लेटर है इस सबसे पहले इसका ट्रेंड सेटर जो था वो किस पे था किस पे ने पाकिस्तानी मार्केट में आके जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया देन उसके बाद किस पे को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े जिसकी वजह से उसने रिसेंटली जो है ऑन बोर्डिंग खत्म कर दी है बट लेकिन आपने परेशान नहीं होना आपके पास और बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन में लोग आ चुके हैं जिसमें कल पे के नाम से है बाद में के नाम से एक प्लेटफॉर्म है ठीक है ये भी आपको सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप जो है इनके थ्रू भी थ्री मंथ्स पे जीरो परसेंट मार्कअप के ऊपर अगर आपको चीज़ मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा ज़बरदस्त क्यों नहीं बहुत बेहतरीन लगेगा <laughs>

दरमियान में इंटरमीट डेरी जो है अपना कमीशन ले रहा होता है बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बाय नाउ पे लेटर बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरा ख़्याल है इस पर हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर कभी लेंगे मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है लोगों के लिए कौन सी ऐसी प्लगइन है जो कि एक्स्ट्रा आपको जो है ना सोलूशन ऐड करके दे सकती है या आजकल थीम्स के अंदर ही बिल्ड इन लाइक ले, लेट ले, ले, सपोज आजकल आपने देखा होगा कि रिव्यूज़ का भी एक सेक्शन होता है कुछ थीम्स के अंदर होता है कुछ आपने डिफरेंट अदर प्लग को यूज़ किया होता है तो कौन सी ऐसी प्लग आप बताना चाहेंगे जो आप लोगों को कहेंगे कि आ, आगे फ्यूचर में ज़रूर इसको यूज़ करें बिल्कुल इसके लिए जो है अभी जिनको भी एक सोल्यूशन लेके आ रहा है फॉर द डिलीवरीज ये फॉर द डिलीवरीज़ और इसी तरीके से उसके अंदर जो है कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं उसके लिए भी वो एक सलूशन लेके आ रहा है जिनको का जैसे जिनको का आपने नाम लिया अगर ये जिनको वाले देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पेमेंट गेटवे पे अभी बहुत बड़ी मार्केट रेडी है अगर जिनको ने बहुत अच्छा सैस बेस्ड एक डिलीवरी का ओमनी का बनाया अब रिव्यू वाले पे आए हैं और आई होप अगर वो देख रहे हैं तो कोई पेमेंट गेट वे भी काम करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है तो उसके लिए ये है कि बहुत सारी आपको डिफरेंट ऐप्स मिल जाएंगी आप तो शॉपिफाई के ऊपर बेहतर आपको हर तरह की ऐप अवेलेबल है जिस तरह की भी आपकी नीड होगी आप सर्च करें आपको ऐप मिल जाती है जस्ट लाइक अगर हमें आपको आपका बिज़नेस इस तरह का है कि आपको उसमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है किसी भी किस्म की तो आपके पास आप जो है

जो है वो हम उन कस्टमर के घर पर लेके जाते हैं और कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं कि वो पाँच छः मेट्रोसेस को चेक करके एक्सपीरियंस करें दस पंद्रह मिनट होए आराम करें पहले उसकी डिफरेंट वैरायटी उनके पास लेके जाते हैं जिससे जो है उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो उन उसको अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन माज ये सर्विस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है एक्साइटमेंट भी हो रही है लेकिन इसके जरिए बात आप चार्जेस तो लेते होंगे वरना क्यों मुझे चार मेट्रेस मेरे घर के बाहर आके आप देंगे और मुझे यूज़ करने देंगे मैं इस्तेमाल करूँ मैं देखूँ उसमें से कौन सा अच्छा और मैं फिर लूँ कितने चार्जेस हैं इसके अच्छा बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है अच्छा इसमें यह है कि सरप्राइजिंगली uh, इसके चार्जेस हम कोई नहीं चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी फ्री है ठीक है डिलीवरी बिल्कुल फ्री है आप जहां पे भी हैं अगर आप लाहौर में रहते हैं आप बिशक बहरिया टाउन से ऑर्डर कर लें हम आपको फ्री आपके घर पे लेके जाएंगे और फ्री ही वापस वो अगर आप इनफेक्ट बाय नहीं भी करते तो भी आपसे कोई चार्जेस नहीं मतलब मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करवानी है अपने चार मेट्रेस बताने मुझे ये पसंद है आप मेरे घर के बाहर उसको ला के दिखाएंगे और वहां से चूज करके मैं खरीद सकता हूँ जी 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 बाकी वापस कर सकते जी बिल्कुल और इसके चार्जेस भी कोई नहीं है बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है और मजे की बात आपकी ये है कि आपने अगर कार्ड से पेमेंट करनी है आपके पास घर में इतना कैश नहीं है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है उसका एवरेज ऑर्डर

बहुत ज़बरदस्त माज आप छा गए हैं मैंने एक और दो तीन बड़ी मज़े की चीज़ देखी है एक ये कि शॉपिंग वैसे तो आप आ, सिटी वाइज डिलीवरी चार्जेस नहीं लगा सकते अलग अलग करके ठीक है लेकिन मल्टीफॉर्म पे लगे हुए हैं तो वो आपने कैसे किए हैं अच्छा उसके लिए भी जो है वो शिपिंग रेट्स के बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी शॉपिफाई शौ, के ऊपर तो आप उनमें से शिपिंग रेट्स के नाम से एक प्लगिन आता है जो आप जिसके अंदर आपको इतनी बाइफर्केशन मिल जाती है कि आप हर सिटी के सेपरेट रेट्स लगा सकते हैं सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है जो भी आपके कुरियर के रेट्स हैं इनफेक्ट अगर आपके कुरियर रेट्स हैं तो आप कुरियर रेट्स को भी उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इनको यूज़ करें इसलिए मैंने रिकमेंड स्टार्ट में किया था कि आप शॉपिफाई यूज़ करें जो भी

ए आई का जो आने वाला फ्यूचर है वो ए आई है और ई e कॉमर्स के ऊपर वेबसाइट्स पे ए आई चाहिए आप ऑलरेडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई आ के अपनी इन्फॉर्मेशन देता है और उसको फिर वो बता देते हैं आपके लिए ये मैटर सबसे बेहतरीन सूट करेगा तो ये ए का स्ट्रक्चर कैसे आपने बनाया और किस तरीके से इसको आपने शॉफ्टवेयर पर Uh, है, किया है? है? ये बड़ा आपने जो है क्वेश्चन अंदर से निकाल के पूछा है ये बेसिकली क्या था uh, कि हमने कस्टमर uh, के हमारे पास ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कंसर्न था कि मैटर्स जब मैंने चूज करना है आपके पास पंद्रह मेट्रेस अवेलेबल हैं ठीक है मुझे इनमें से मेरे लिए कौन सा सूटेबल है मैं कंफ्यूज हो जाता हूं एज अ ले मैन अगर मैं भी पहली दफ़ा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे इनमें से कौन सा मेरे लिए परफेक्ट है तो हमने एक मेट्रस सेलेक्टेड डिज़ाइन किया ठीक है जिसके अंदर हमने वो ए आई था जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमने डाटा फीड किया जो जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी हाइट क्या है आपका वेट कितना है आप साइड स्लीपर हैं या आप स्टेट्स होते हैं आपके हर तरह की जो हमारे पास एक यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी उनको डाला उसको और उसकी बेसिस पे उस ऐप के थ्रू हमने क्या किया कि कस्टमर को रिकमेंड किया प्रोडक्ट ठीक है जिससे ये उसको कस्टमर को फायदा होता है कि कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे औरथो मेट्रस चाहिए तो ऑर्थो की भी हमारे पास आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रेंज अवेलेबल है तो हम उसके अंदर भी जो है आपके लिए कौन सा मेट्रस है क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्थो के अंदर भी फर्म है एक्स्ट्रा फर्म है मीडियम

डिलीवरी कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है ए को कैसे यूज़ करना है उसके अंदर और कैसे आप एक रिटेल इंडस्ट्री को उठा के ऑनलाइन पर टॉप पर पहुँचा देते हैं कि पूरे मार्केट में आपके ब्रांड का शेयर एक तरफ और बाकी तमाम ब्रांड्स की सब सेल मिला लें तब भी आपकी वो टेन परसेंट भी नहीं बनती तो आ, इस किस्म की और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर फॉलो रखें थैंक यू झिंको के लिए जो कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आने वाली पॉडकास्ट जरूर देखिएगा आज की पॉडकास्ट